मिथिला विधानसभा के मोहना गांव में पिछले 113 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आज मोहना अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया। आपको बता दें कि पिछले 113 दिन से ग्रामीण ग्रीन हाईवे पर मोहना में उतरने चढ़ने के रास्ते की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी आश्वासन न मिलने पर आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ग्रामीणों को संबोधित करने पहुंचे थे। टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये धरना अभी लंबा चलेगा। साथ ही उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद के बारे में भी जानकारी दी। इस महापंचायत में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा भी मौजूद रहे। करण सिंह दलाल ने हरियाणा सरकार पर धावा बोलते हुए कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार है, जिसे इस सर्दी में धरने पर बैठने को मजबूर ग्रामीण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारी सरकार आने के पहले दिन ही इनको ग्रीन हाईवे पर कट देने का काम किया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कहा कि सरकार ग्रामीणों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होने पर भी कोई उचित आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 महीने से ज्यादा लंबा चलेगा, अभी लंबा चलेगा, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है? अभी लंबा चलेगा। जो 16 फरवरी को आप भारत जलाने की बात कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, किसान बंद कर रहे हैं, किसान मजदूर आदिवासी महिलाएं युवा भारत बंद, ग्रामीण बंद, खेत में किसान उस दिन काम न करे, उसे एक मैसेज जाएगा। जो दुकानदार है वो भी अपनी दुकानें बंद रखे हैं जबरदस्ती किसी तरह। जो गांवों में खास करके शहरों में जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो भारत बंद में समर्थन करें। देखिए 16 दिन से ऊपर का समय हो गया है और यहाँ पर जो है किसान धरने पर लगातार बैठे हैं। अभी लंबा चलेगा, हल्का क्यों पड़ रहे हैं यहाँ पर? अभी चलेगा। इलेक्शन की सरगर्मियाँ फरीदाबाद हरियाणा में चलने वाली हैं, किसानों का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा? अरे रुख तो रह जाएगा, किसको जहाँ देने जिसको दे लगा, क्या रुख रहेगा, क्या पता क्या रहेगा। चुनाव भी होने वाले हैं, हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएंगे, चुनाव के बाद में गर्म होगा ये मामला। अच्छा, आज महापंचायत के अंदर ये तो निर्णय लेगी कमेटी, जो भी कमेटी का डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। बाकी ये सच्चाई है, ये 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 3 महीने से लोग, ये बड़ा दुखद विषय है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें लड़ाई ये अहम की हो गई है, और अहम की लड़ाई जब हो जाती है तो उसमें डिसीजन ठीक नहीं होते। होना तो ये चाहिए था कि जब मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया तो इसको सीधे तरीके से करके आगे इसको ख़त्म करना चाहिए था। बाकी अब ये ज़बरदस्ती का जो टकराव किया जा रहा है किसानों के माध्यम से, जिस तरीके से यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, किसान बेचारे इतने परेशान हैं, सरकार समझने को तैयार नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो सेंटर में जो नेता हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई जो किसानों की मांग है और जो मुख्यमंत्री जी की मांग डिमांड उन्होंने अप्रूव कर दी थी उसको तुरंत इसको दे देना चाहिए। आगे चुनाव आने वाले, वरना चुनाव में फिर लोगों के अंदर मतलब वही इधर उधर की बातें चलेंगी, उससे कोई फायदा नहीं। बताइए जी, अभी हाल ही में शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत हुई, कट को लेकर क्या कुछ? मैं कल भी बिप्लब देव जी से और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिला था। उन्होंने कल मेरे को 2 बजे बुलाया है दिल्ली के अंदर, परसों सोमवार को, और मैं उनसे ये बात पूरी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये समस्या हमारी पार्टी के हित में भी नहीं है और किसानों के हित में बिल्कुल ही नहीं है।